ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनी मुंबईतील अंधेरी इथल्या एका रस्त्याला त्यांचं नाव देण्यात आलं. सिने आणि टीव्ही आर्टिस्ट असोसिएशनच्या सिंटा टॉवरकडे जाणाऱ्या मार्गाला हे नाव देण्यात आलंय. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्याचबरोबर अनुपम खेर, परेश रावल, जॉनी लिव्हर, मनोज जोशी यांच्यासारखे दिग्गज कलाकार देखील या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले. यावेळी या कलाकारांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यात कलाकारांपुढील आव्हानं, AI सारख्या तंत्रज्ञानानं निर्माण केलेल्या अडचणी, तसंच ज्या कलाकारांना काम मिळत नाही त्यांना सरकारकडून काय मदत मिळू शकते यावर या कलाकारांमध्ये चर्चा झाली. ये जो मार्ग है, इस मार्ग का नामकरण उद्घाटन समारोह हो रहा है देवेंद्र जी फडणवीस के कर कमलों से. विक्रम गोखले साहब जो हैं उनके नाम की रोड बन रहा है. ये प्रेसिडेंट रहे तो उनको भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए. सब जाने से पहले 2 एकड़ जमीन दी उन्होंने, एक हिंदी इंडस्ट्री के लिए, एक मराठी इंडस्ट्री. वो जमीन पर हम लोग हमारे आर्टिस्टों के लिए जो रिटायर्ड हैं वृद्धाश्रम टाइप, मतलब उनकी, मतलब जिनको बच्चों ने घर से निकाल दिया है, जिनके बच्चे नहीं है, जिनका कोई पीपल्स होम फॉर एक्टर्स. व्हाट वी शुड डू नाउ, जो मुझे ऐसा लगता है इस एसोसिएशन को, जैसे म्यूजिक वालों में लिरिसिस्ट मिलने, रॉयल्टी मिल रही है, एक्टर्स एसोसिएशन शुड इतनी फिल्मों में काम किया है. जैसे मैं SAG का मेंबर हूँ, अमेरिकन SAG का मेंबर हूँ, मैंने जितनी भी वहाँ फिल्मों की है उसका $3, $10 जब भी वो कहीं रिलीज होती है वो मुझे मिलते हैं. उसी तरह से पार्लियामेंट में ऐसे जैसे जावेद साहब ने पास करवाया, हमको वो करवाना चाहिए. वो सबसे इम्पोर्टेंट मेटावर्स वगैरह आ गया, जैसे AI आएगा, AI इज गोइंग टू बी वेरी डेंजरस, तो उसको भी, उससे भी प्रोटेक्ट करे आर्टिस्ट को. लीगल आर्म अपना बहुत सॉलिड होना चाहिए. अब यहाँ बैठ के जैसे आपने टेबल बनाया है, यहाँ बैठ के लगता है कि एक ऑफिशियल मीटिंग की जा सकती है. 100%